कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री होगी। एक दिन पहले ही सीडीएसईओ की 10 सदस्यीय समिति ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोरोना के तेजी से प्रसार को देखते हुए उसको रोकने के लिए भारत समेत विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर वैक्सीन की खोज होने लगी। आखिरकार वैज्ञानिकों की कोशिश रंग लाई और भारत ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की खोज कर ली। अब सरकार जल्द इसको लगाने की योजना और कार्यप्रणाली पर काम कर रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने इसे देश भर में फ्री लगाने का ऐलान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लेने के बाद कहा कि देश भर में पहले फेज 3 में 3 करोड़ लोगों को मिलेगी फ्री कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इस पर जुलाई तक फैसला होगा। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहाँ की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण उसको देखना एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता बताया। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उन्होंने पोलियो के वैक्सीन का उदाहरण देते हुए कहा कि पोलियो की वैक्सीन दी जाने के दौरान भी विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई गई थीं, लेकिन लोगों ने टीका लगवाया और आज भारत पोलियो मुक्त है। तो याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाएं। कोरोना वैक्सीन सभी लोगों को लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार वैक्सीन लगाने के काम में कितना सफल होती है सरकार की योजना और रणनीति पर निर्भर करेगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।